हेलो आई एम कार्तिकेय शर्मा एम वन ऑफ़ द पटिशनर्स इन अरजीत शुक्ला एंड अदर्स वर्स इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया केस सो ये मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन वालों का केस है बेसिकली और ये मैं एक छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ ताकि क्योंकि इसके बाद वी आर गोइंग तो टू स्टार्ट आस्किंग फॉर फंड्स बेसिकली फ्रॉम ऑल द पीपल जो टेलीग्राम ग्रुप्स पे हैं बट फंडिंग से पहले बिफोर आस्किंग फॉर फंड्स हमें उन्हें ये समझाना ज़रूरी है ये तीन क्वेश्चन राइट right? पहला क्वेश्चन ये है कि वॉट इज़ द केस सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर ये केस मेंस वालों का है तो ये 2020 और 2021 वालों के लिए बेनिफिशियल कैसे है हाउ इज़ इट रेलिवेंट टू देम थर्ड जो आखिरी बात है दैट इज हाउ मच ऑफ द फंड रिक्वायर्ड जो कि यहाँ पर देख के सिंस ट्वेंटी एथ निकल गया तो यहाँ कर देख के यू कैन डिसाइड फॉर इट्स अराउंड थ्री पॉइंट दैट फाइव लैक ऑल्सो विल डिस्कस सो फर्स्टली ये जो अरिजीत शुक्ला जी वाला केस है ये बेसिकली उन लोगों का है देर आर थ्री पटेशनर्स इन दिस देर इज मी कार्तिक शर्मा देर इज अरिजीत शुक्ला एंड देर इज शुभम जैन तो हम तीन पिटिशनर्स जो हैं वी बेसिकली गॉट अफ्लेक्टेड विद ओमाइक्रॉन ड्यूरिंग जनवरी वाला जो मेन्स था एंड आई एंड अरिजीत शुक्ला पार्शली मिस्ड आर मेन्ज एग्जाम्स बेसिकली हमने ऑप्शनल वाला पेपर हमारा रह गया था एंड कंपल्सरी लैंग्वेजेज वाला एंड शुभम जैन कंप्लीटली मिसड ऑल इज एग्जाम्स उसको पहले ही देन की वो सेंट बैक फ्राम द सेंटर जो उनका डोलपुर हाउस में सेंटर था बिकॉज ही वॉज कोविड पॉजिटिव सो so, यहाँ पर जो केस है हमारा एंड आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव हम तीनों की आर टी रिपोर्ट थी सो so, यहाँ पर जो केस है हमारा इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अकॉर्डिंग टू ऑल लीगल ओपिनियंस राइट एंड वी हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन एंड उनके साथ हम ऑलरेडी एक हियरिंग इसमें कर चुके हैं विच हैपन ऑन द ट्वेंटी फेबररी एंड इट वेंट कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से गई वो जो हियरिंग थी एंड उनकी जो पर हीयरिंग फीस थी वी जनरेटेड दैट वाई आर टेलीग्राम फंड्स जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड उनकी पर हीयरिंग फी है वो हमने ट्वेंटी एथ फेब्री के लिए जनरेट कर ली थी वाया टेलीग्राम ग्रुप्स और उसमें हमने कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी मेन्टेन करके रखी थी एंड यू कैन आस दैट टू एनी वन जिसने भी उनमें फंडिंग में पार्टिसपेट किया था ओके okay. तो बेसिक बेसिक आपको मोटा मोटा मैंने जो ब्रॉड एक आइडिया केस का वो समझा दिया है इट्स ऑन वेरी फर्म लीगल ग्राउंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग केस है वी रेली आर्टिसिपेट अ पॉजिटिव वर्डिकट इसमें राइट ऑफकोर्स देर इज़ अनसर्टिनटी इन द सुप्रीम कोर्ट दैट नो बडी कैन डिनाई बट वी रेली एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव वर्डिक सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज़ इट बेनिफिशियल टू द यू पी एस सी एक्स्ट्रा टर्न कॉज ये बीस बीस और बीस इक्कीस वालों के लिए कैसे डायरेक्टली लिंक्ट है विल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर इस केस में पॉजिटिव वर्डिट आ जाता है तो उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ पिटीशन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में टेकिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले एंड ईवन मेन्स वाले जो मेन्स के अटम्प्ट कैटेगरी होगी राइट right? ऐसी कई सारी कैटेगरीज़ होंगी तो ये सीरीज ऑफ कैटेगरीज जाएंगी अपना केस लेके और उनका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉब्ली आ गया होगा सो दिस इज़ द फर्स्ट लिंक जो ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन वालों को इसके थ्रू है दिस इज़ वेरी डायरेक्टली लिंक्ड सेकेंड ये हो सकता है मे बी गवर्नमेंट हो सकता है अंडर प्रेशर ऑफ यू नो फ्यूचर लिटिगेशन वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिजाइन कर ले स्प्रेड अक्रॉस अ फ्यू इयर्स वन और टू इयर्स फॉर एग्जांपल जैसे ओडिशा मॉडल के अंदर दिया हुआ है विच यू कैन सी ऑन द इंटरनेट जिसके अंदर इट प्रोवाइड्स रिलीफ तो टू वेरियस सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस जो गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है एंड इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वाले वो कवर कर ले दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉग लाइकलीहुड इन फैक्ट जो वो करेगी इनकेस यहाँ पर पॉजिटिव प्रोडक्ट आ जाता है हम फर्दर यू you नो know, इसके ऊपर एलेबरेट कर सकते हैं कि किस टाइप के लिंकेजेस हो सकते हैं बिटवीन दिस केस एंड ट्वेंटी 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 वन वाला केस बट इट विल टेक इट विल टेक अ लॉट ऑफ़ टाइम एंड देर इज अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन बट कोई भी यहाँ पर यू नो देर इज़ नो या ऑलमोस्ट नो जो इस चीज़ को मना करता है कि देर इज़ अ वेरी स्ट्रांग लिंकेज इस्पेली अगर उसकी थोड़ी लीगल नॉलेज है राइट ओके दैन थर्ड केस इज़ बडाउ द फंड रिक्वायर्ड वेल गोपाल शंकर नारायण जी की एक जो फी है वी हैव कलेक्टेड सेवेंथ मार्च विच विल बी द सेकेंड हियरिंग उस दिन वील अगेन गो विद मिस्टर जो सीनियर काउंसिल है हमारे गोपाल शंकर नारायणन बट वी आर टेकिंग एक और सीनियर काउंसिल हैं मिस्टर शेखर नाफड़े सीनियर काउंसिल शेखर नाफड़े सॉरी इफ आई इफ आई एड्रेस टिम इन करेक्टली मतलब बट उनकी जो लीगल फीस है दैट इज़ टू पॉइंट फाइव लैख एंड वाई है टेकिंग टू लीगल टू सीनियर काउंसिल्स उसका रीज़न है कि गोपाल शंकर नारायणन जो है वो हमारे यू जो प्रिलिम्स वाले केसेज हैं इसके साथ ही इज़ बिन एसोसिएटेड ही इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट लॉयर ही इज़ वेरी क्लेवर एंड ही इज़ वेरी असर्टिव तो उनको जो पूरा कॉन्टेक्सट है हमारे प्रिलिम्स वाले केसेस का ही कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट जो मिस्टर शेखर नाफड़े हैं ही इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑन सेवेंथ ऑफ मार्च एंड ये थ्रू जुडिशल कॉरिडोर इन लीगल एडवाइजर्स हमें पता लगा है दैट हिज प्रेजेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इज आर्ग्यूमेंट्स उनकी जो ऑन द बेस ऑफ एवर हाउ एवर वी ब्रीफ एम एज वेल एज हिज फेस वैल्यू विच इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट मतलब वी आर पेइंग टू पॉइंट फाइव लैख जो उनकी लीगल फीस है फॉर दैट सेवंथ मार्च ऑफ सेवंथ मार्च की जो हियरिंग है दैट मीन्स वी आर हाईली कन्विंस्ड की ही इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंपनी मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन सो कलेक्टिवली दिस विल बी थ्री पॉइंट टू फाइव लाख रुपीस राइट सवा तीन लाख रुपए हैं जो हमें बेसिकली जो तीन पटिशनर्स हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं अक्रॉस टेलीग्राम ग्रुप्स वहाँ से हमें जनरेट करने हैं जिसमें हम वी प्रामिस एप्सलूट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी राइट दे विल बी ऐसा कोई वी विल नॉट प्रोवाइड रूम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और सस्पेशन की यू नो एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एंड सस्पेशन तो दैट वी कैन प्रॉमिस फॉर फ्रॉम आर एंड तो बेसिक बेसिक मैं मतलब जो क्लिप में समझाना चाहता था वो मैं समझा चुका हूँ वी रिक्वायर थ्री पॉइंट टू फाइव लाख रुपीज एंड दिस नीड्स टू बी जनरेटेड इन अ पीरियड ऑफ अबाउट टू डेज लाइक टुडे इज द फोर्थ ऑफ मार्च फोर्थ ऑफ मार्च एंड फिफ्थ ऑफ मार्च के प्रॉब्ली आफ्टरनून तक बिकॉज फिफ्थ ऑफ मार्च के आफ्टरनून या इवनिंग में वी नीड टू ब्रीफ मिस्टर शेखर नाफड़े एंड ऑल्सो ऑन दिक्सथ ऑफ मार्च बिकॉज गोपाल शंकर नारायण जी को वी हैव ऑलरेडी ब्रीफ टेम एंड ई दिट सो न ऑफ द केसेज ऑफ अ पॉजिटिव वर्डिक जो इस केस के अंदर हैं चांसेज ऑफ अ पॉजिटिव वर्डिक्ट वेरी हाई इन दिस केस बट सुप्रीम कोर्ट की अपनी नो बडी कैन गारंटी राइट कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है द इज ऑलवेज अनसर्टेंटी बट वी स्टिल होप कि इट ऑल टर्नस आउट वेल एंड सेवेंथ ऑफ मार्च इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल डेट बेसिकली फॉर आर एंटायर कॉज एंड आई होप यू गाइज आपके जो बेसिक बेसिक डाउट्स हैं वो इस क्लिप से क्लियर हो गए हों यस, थैंक यू एंड गुड लक